चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे घिनौने काम में गिरिडीह का एक युवक शामिल था। युवक देवरी के घोरंजो का है, जिसे रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए युवक ने कई जानकारी दी है और यह बताया है कि उसने कैसे पोर्नोग्राफी का साइट्स बनाया और कैसे उसमें पोर्न वीडियो को डाला करता था। युवक से घंटों पूछताछ की गई है, जिसके बाद गिरिडीह की साइबर थाना पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। गिरिडीह के साइबर इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। ये एक ऐसा मामला है जो भारत के किसी दूसरे राज्य केरल से वहाँ के सीनियर पुलिस पदाधिकारी के द्वारा हमारे स्टेट के सीनियर पदाधिकारी के पास भेजा गया था, जो पोर्न वीडियोग्राफी से जुड़ा हुआ था। इसका संज्ञान जब हमारे पुलिस कप्तान सर को मिला, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि इसके विरुद्ध में जो भी संलिप्त है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। तो उसके मातहत इसका जांच जब मैंने किया तो ये लड़का जो इसमें इन्वॉल्व था, जो उस पोर्न वीडियोग्राफी ग्रुप HD पोर्न नामक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन गिरिडीह के देवरी थाना अंतर्गत घोरंजी के खोरियोडी ग्राम का राम प्रवेश सगर इन्वॉल्व पाया गया, तो उसकी छानबीन की गई। उसका मोबाइल लोकेशन रांची में आया, तत्पश्चात मैंने इसका अपने स्वलिखित बयान पर कांड अंकित करते हुए मैं स्वतः ही इस कांड के अनुसंधान में प्रस्थान किया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे छापामारी करते हुए धर दबोचा गया। और किस पैसे ही काम कर रहा था सर, ये कुछ पता है? अभी तक के खुलासे में उसने अपने अपराध स्वीकार किया है और उन्होंने जो बातें बताई है अपने स्वीकारोक्ति बयान में कि जो गूगल का साइट होता है, गूगल में जाकर के पोर्न व्हाट्सएप ग्रुप सर्च किया और उसमें सर्च करने पर ज्वाइन चैट का एक लाइव ऑप्शन आता है, जिसमें टच करने पर कुछ लिंक आ जाता है, ग्रुप लिंक का, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का। उसमें जाकर के पोर्न व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक किया और उसको टच करते ही उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें लाइव चैट कर सकता है, स्वतः ज्वाइन हो सकता है, मेंबर बन सकता है। उसका ये मेंबर ग्रुप एडमिन था और उसके तहत अभी तक जो बातें बताई हैं कि उसमें करीब 250 लोग जुड़े थे। अभी तक ये सामने नहीं है कि कौन कौन बच्चे इसमें पीड़ित हैं और किस राज्य के हैं, परंतु जो इसने खुलासा किया है अपने स्वीकृति बयान में, उसने बताया कि किसी दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिला था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कुछ वीडियो तस्वीर वीडियोज मिले थे, जिसे ये स्वतः ही अपने उस HD पोर्न ग्रुप में, जिसका ये ग्रुप एडमिन था, उसमें ये मैसेज को फॉरवर्ड किया था। युवक ने जो जानकारी दी है उस पर पुलिस आगे का काम कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में और कितने लोग शामिल है, उस तक पुलिस कब तक पहुँच सकती है। अमरनाथ सिन्हा, ETV भारत, गिरिडीह।